नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के इस रिपोर्ट में बात करेंगे सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के। जब से धमकियां मिली हैं तब से सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सलमान के अपार्टमेंट गैलेक्सी में 24 घंटे पुलिस की तैनाती है। बात करें अगर तैनात पुलिस इंस्पेक्टर्स की, तो 2 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी तैनात किए गए हैं, तो वहीं 8 से 10 पुलिस कांस्टेबल को तैनात किया गया है, जो कि 24 घंटे गैलेक्सी अपार्टमेंट की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही जो फैंस की भीड़ इर्द गिर्द अपार्टमेंट के बाहर मौजूद रहती थी, वो लोग भी अब अपार्टमेंट के बाहर नज़र नहीं आ रहे हैं। यानी कि पुलिस की पहरेदारी इतनी सख्त है कि बिना पुलिस की इजाज़त के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसी बीच सलमान खान का एक बड़ा डिसीजन भी सामने आया है। सलमान खान इस पूरी धमकी को हल्के से ले रहे हैं, या फिर यूं कहें कि फैंस के सामने इसे हल्के अंदाज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और फैमिली भी इसी तरीके से बर्ताव कर रही है। यहीं इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि फिल्म को लेकर के कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। भले ही बाहरी शेड्यूल को पोस्टपोन कर दिया जाए, लेकिन ना तो फिल्म अपने निश्चित समय से आगे डिले होगी और ना ही प्रमोशंस को रोका जाएगा। ऐसे में सलमान खान ने इस बात को साफ कर दिया है कि वो काम के शेड्यूल में कोई भी देरी नहीं करने वाले हैं, और साथ ही सलमान खान ने ज़्यादा सिक्योरिटी लेने से भी मना कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि पहले ही सलमान के पास वाई कैटेगरी की सुविधा है, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है, और साथ ही बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो अक्सर सफ़र करते हैं। अब देखना ये होगा कि इस धमकी के बाद जैसे सलमान खान का अपना एक निर्णय सामने आया है, ऐसे में अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस पर किस तरीके से एक्शन लेता है, क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि सलमान खान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के किसी भी धमकियों से नहीं डर रहे हैं। ऐसे में क्या गैंगस्टर इसके खिलाफ कोई रणनीति अपना सकता है, कोई साजिश अपना सकता है आगे आने वाले दिनों में, इस बात पर भी नज़र रखी जा रही है। फिलहाल आज के इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।